अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा अल्लाह पाक अपने हिफ्ज अमान में रखें आपको। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, तो मैं उनके लिए जो है लंच बॉक्स बना रही हूँ और लंच बॉक्स में मैं उन्हें सैंडविचेस बना के दे रही हूँ। जैसे मैंने पहले भी बोला कि वो सुबह सुबह कुछ खा के तो जाते नहीं हैं, तो इसलिए कोशिश होती है कि कुछ हैवी भी हो और डेली सेम चीज़ें वो खाना पसंद भी नहीं करते, कुछ ऐसा हो जिसमें कि मुझे भी मैं टेंशन फ्री रहूँ कि चलो कुछ खाया उन्होंने। तो 10 बजे जब ब्रेक होती है उनकी, तो वो ईज़िली जब ये सैंडविचेस खा लेते हैं तो मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। तो सैंडविचेस तो उन बच्चों को स्कूल में भेजने के बाद मैं नॉर्मली गर्म पानी लेके तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि अब सारी रात में, जैसे आपको पता ही है कि मैंने पहले भी बताया कि हस्बैंड जो है वो वैसे भी रात को लेट आते हैं, और फिर उसके बाद मैं फिर रात में तकरीबन सो ही नहीं पाती हूँ। 5 बजे बच्चों को उठाना होता है, फिर 4 बजे फज्जर पढ़ के, तो फिर मैं उस लिए जो है बच्चों को एक दफ़ा भेज के, तो फिर मैं उनको स्कूल में भेजने के बाद सिर्फ एक जस्ट पानी का एक चाय ग्लास गर्म वो पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना अच्छा होता है, खाली पेट वो भी गर्म। तो मैं वो पी के तो फिर मैं जस्ट सो जाती हूँ, और जब सो के उठती हूँ तो तकरीबन जोहर के टाइम पे होती हूँ, क्योंकि उसके बाद बच्चों ने भी स्कूल से आना होता है 2 बजे। तो मैं जोहर के टाइम पे उठती हूँ और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। तो आज भी जो है मैं जब नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं काफ़ी सैड थी और मेरे जहन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कि मेरी लास्ट अपलोड जो है आप लोगों ने देखी है दानियाल खान के बारे में, मैंने पहले ऐसी न्यूज़ उनके बारे में सोचा था कि मैं अपलोड नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैं काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि आपने इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ जो है वो अपलोड नहीं की, तो फिर इसलिए मैंने उनकी न्यूज़ अपलोड की। लेकिन अभी मैं जो है उनसे उनकी न्यूज़ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभी मैं वो काफ़ी सैड थी, काफ़ी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। फ्रेंड्स, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं माज़र चाहती हूँ, क्योंकि उनके इस टाइम पे जो फैमिली के ऊपर जो गुजर रहा है वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दानियाल का एक साइलेंट मैसेज है जो वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, यूँ समझे कि उनका लास्ट मैसेज है। और ऐसे बहुत से हादसे होते हैं लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती, लोग बिलिंग करते हैं, फुल स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं, क्यों मुझे पता नहीं। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब आप गाड़ी में बैठें तो गाड़ी या बाइक पे जब भी आप चलाएं तो नॉर्मल स्पीड पे चलाएं, और म्यूज़िक हो सके तो उससे भी अवॉइड करें। और वैसे भी हम सबका ईमान है कि हम लोगों ने एक दिन जाना है, और हम लोगों की ख्वाहिश है कि जब भी हम जाएं हमारे मुंह पे कलमा हो, ना कि इस तरह के सॉन्ग्स वगैरह हो। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें ऐसे हादसा से बचाए रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। लेकिन सेफ्टी सबसे पहले आती है, आप अपनी सेफ्टी कीजिए। और जो भी न्यू जनरेशन है वो आजकल इतनी, मतलब व्हीलिंग भी बहुत आम हो चुकी है, फुल स्पीड पे गाड़ी चलाना, और टिकटॉक के ये जो नए नए जो चीज़ें बनाते हैं, अभी भी इनका यही था शायद कि कोई ऐसा स्टंट करना चाह रहे थे जो टिकटॉक पे इनको और मज़ीद फेम दे देता। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनका ये लास्ट मैसेज समझ के प्लीज़ एहतियात कीजिए, क्योंकि आए दिन ऐसे हादसा बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। और म्यूज़िक हो सके तो मत सुनिए, म्यूज़िक प्लीज़ मत सुनिए। अभी काफ़ी सारे ऐसे हादसे भी होते हैं, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक ऐसे वीडियो देखी थी जिसमें उनके बेटे की इसी तरह कार ड्राइविंग में जो है एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, और वो उसमें बहुत खुशी से बता रही थी कि मुझे इस चीज़ की खुशी है कि जब मेरा बेटा चला रहा था तो वो सूरह यासीन सुन रहा था, और आखिरी टाइम पर उसके मुँह में सूरह यासीन की अल्फाज ही होंगे, और वो इस चीज़ के लिए बहुत खुशी महसूस कर रही थी। तो मैं खुल के ये बातें नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है, और उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो टिकटॉक पे इस टाइम पे इनकी इतनी सारी इनके सॉन्ग्स की वीडियोस चला रहे हैं, यार मुझे समझ में नहीं आता, आप तो समझे ना इस चीज़ को। अभी उन्होंने नात की भी वीडियोज़ बनाई हैं, उन्होंने दुआ मांगने के टाइम की भी वीडियोज़ बनाई हैं, अच्छी अच्छी टिकटॉक्स भी बनाई हैं, तो आप वो शेयर कीजिए, ताकि उनके सॉन्ग्स इस तरह से शेयर करें, ताकि उनके लिए आसानी हो। यहाँ पे मैं एक मैसेज मदर्स के लिए भी है कि प्लीज़ अपने बच्चों को सख्ती से मना कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, हम ये कह के बात इग्नोर कर देते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पे दुआ मांगना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब इस दुआ में मेरे साथ शामिल रहेंगे। ए अल्लाह, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी महलूक के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़लत के मालिक, बीमारों को शफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, तेरे हताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बुल इज़्ज़त, मेरे गुनाह बहुत बहुत ज़्यादा हैं, मेरे गुनाह लामहदूद हैं, पर अल्लाह मेरे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हो सकते। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत के सदके, अपनी सफ़ात के सदके, या रब्बुल आलमीन, हम गुनाहगारों को माफ़ फरमा दे। हम हताकार हैं या इलाही, हम तेरी नाशुक्री करते हैं, तेरी नेमतों को झुटला देते हैं, और जब भी खुश होते हैं तो जब भूल जाते हैं, लेकिन इलाही जब भी मुश्किल आती है तो सिर्फ और सिर्फ तुझी से रब्ता करते हैं। परवरदिगारे आलम, ये हाथ जो तेरे आगे झुकते हैं, इन हाथों को किसी और के आगे झुकने मत देना। या रब्बुल आलमीन, इन हाथों की जो तेरे आगे झुकते हैं, या रब्बुल आलमीन, इन हाथों की इज्जत रख लेना और इन्हें किसी के आगे मत झुकने देना, इन्हें किसी के आगे मत फैलने देना जो तेरे आगे फैलते हैं। परवरदिगारे आलम, मैं तुझसे तेरी रहमत के सदके, या रब्बुल आलमीन, तेरी वहदानियत के सदके, जो इस दुनिया से जा चुकी हैं उन सब की मगफरत की तलबगार हूँ। या रब्बुल आलमीन, जो इस दुनिया में चुप्पे औलाद हैं, जिनकी औलादें नहीं हैं, या रब्बुल आलमीन, मैं जिनको जानती और जो जिनको मैं नहीं जानती, उन सब के औलादों को औलाद अता फरमा दे। परवरदिगार आलम, हम सब की बहु बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा दे। या रब्बुल आलमीन, हमें गुमराही के अंधेरे से बचा ले, हम किस तरफ जा रहे हैं लेकिन इलाही तू संभाल ले हमें। या रब्बुल आलमीन, हमारे गुनाहों को मत देख, या इलाही तू अपनी रहमत को देख और हम गुनाहगारों को बचा ले, हमें जहन्नुम की आग से बचा ले। परवरदिगारे आलम, हम जो सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जहन्नुम की आग को क्या बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे। परवरदिगारे आलम, हमें अपने कहर से बचा ले। या इलाही, हमें गुमराही के अंधेरे में डूबने से बचा लेना। या रब्बुल आलमीन, हमें गुमराही के अंधेरे से डूबने में बचा ले। परवरदिगारे आलम, हम तेरे हताकार बंदे हैं। ए अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, हताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। या रब्बुल इज़्ज़त, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। या अल्लाह, ए अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे सोने अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सयाहकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं। हमारे माबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। या इलाही, तू सबकी परेशानियों को जानता है, सबके दिलों के भेदों से वाकिफ़ है। परवरदिगार आलम, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की मगफरत फरमा दे। या इलाही, हम सबके वालिदैन को हमारे सरों पर सलामत रखना, और जो जा चुके हैं उनकी मगफरत फरमाना। या रब्बुल आलमीन, तू सबकी परेशानियों को जानता है जो मैं नहीं जानती। या इलाही, जो इस वक्त इस दुआ में शामिल है उन सब की परेशानियों को दूर कर दे, उन सब की दुआओं को कबूल कर ले। या रब्बुल आलमीन, इस दुआ में शामिल हुए हर इंसान की परेशानी को दूर कर, और जो शामिल नहीं है उनकी भी परेशानी को दूर कर, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त अहबाब और सब लोगों की परेशानियों को दूर कर। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।
पता नहीं क्यों बस इस छोटी सी उम्र में जाने वाले खूबसूरत सा लड़का है ये। देख के दिल किया कि मैं इसके लिए दुआ करूं, तो इसीलिए मैंने ये दुआ की। और उम्मीद है कि आप सबको मैं जो कहना चाह रही थी इस वीडियो में आपको वो समझ में आया होगा। तो अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नई वीडियो में। एंड प्लीज़ ऑल न्यू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।